आयल सो गया। सो गया। फिर से सोया पटकोरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहे सो पर से। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू। आप बहुत खुश लग रही हैं भाभी। इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है। खुश होना तो बनता है। थैंक्स। और बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा इस घर में हम सबको मिलकर ही खुशियां लेकर आनी है। जैसे मेरे लिए मुश्किल है, यकीनन तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जाने वाला तो चला गया, लेकिन दुनिया के काम तो नहीं रुकते ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, सहरिश की शादी की तैयारियां हम दिलो जान से करें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा सभी बहन कैसी हैं? अब बेहतर है। बेटा उन लोगों को हम सोच रहे हैं कि खाने पे बुला लें, बाकी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी, और तुम सारे मनोज की फैमिली से भी मिल लेना। ठीक है। मैं जरा इसको लिटा दो कमरे में। हाँ आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे बाबा खुश हैं। मैं कमन सर। यस प्लीज। बैठे। बेटा सरेश, जी अमीनिया सर। आप वैसे मुझे सारे में बुला सकती हैं। आई एम श्योर सरेश, अब तक तुम ऋषा के जरिए मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिलो दिमाग में, यू कैन आस्क मी। आई ट्रूली बिलीव के कोई भी रिलेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें दोनों तरफ से सच्चाई ना हो। सर आई मीन सारे, मैंने जिंदगी में कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मैंने छुपाया हो, और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया है। मुझे आपसे कोई सवाल या जवाब नहीं चाहिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सैरिश, आई जस्ट वॉन्ट के अभी हम इस बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना बताएं। जब चीजें ऑफिशियल होंगी सबको खुद ही पता चल जाएगा, और उसके बाद मर्जी है अगर ऑफिस ज्वाइन किए रखना है या घर में रहना है। जी आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मीटिंग 2 बजे जो है उसमें हम साथ ही चलते हैं। ओके आप चलते। श्योर।